आपका हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब पर स्वागत है। आज हम आपके इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। आपको इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको ऊपर ए को ऐड करना है और ए को ही सब्ट्रैक्ट करना है नीचे एज इट इज। ये हो जाएगा एक्स प्लस ए डी एक्स। ऊपर एक्स के साथ ए ऐड कर दीजिए, ए को ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी नीचे एज इट इज साइन एक्स प्लस ए। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसके अपॉन अलग, इसके अपॉन अलग हो जाएगा। जब आप साइन एक्स प्लस ए इंटू कोस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए करते हैं तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा कोस ए। आगे देखिए, जब आप माइनस कोस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए के अपॉन साइन एक्स प्लस ए करते हो तो कोस अपॉन साइन हो जाएगा आपका कोट एक्स प्लस ए और आपका साइन ए एज इट इज। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे पास कोस ए कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स कोस ए साइन ए एज इट इज, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। कोट ए का हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नीचे से एक्स कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका वन प्लस लॉग एक्स। अब जो आपका ये ब्रैकेट में इसको टी मान लीजिए, लेट वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। वन का आपका जो है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स डी टी। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वन अपॉन एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा और वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा आपका टी। ये हो जाएगा वन अपॉन टी डी टी और वन अपॉन टी का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है आपके पास वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टी की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स की टू डी एक्स। आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप टेन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए, लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। टेन इनवर्स का जो है डिफ्रेंशिएशन कीजिए, हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो आपका ये जो गिवन इंटीग्रल है ये हो जाएगा ई की पावर टी डी टी। यहाँ पर टी पुट कर दीजिए, बाकी जो बचा ये हो जाएगा आपका डी टी। तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर टी प्लस सी और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीजी। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में किसी न किसी रूम में। आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू। तो आपको क्या करना है, अंश और हर को ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, या ऊपर से ई की एक्स कॉमन ले लीजिए या नीचे से, किसी तरह मान लीजिए आप। तो आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ई की पावर एक्स से डिवाइड कीजिए, ई की पावर टू एक्स अपॉन ई की एक्स वन अपॉन ई की एक्स। सिमिलरली नीचे हो जाएगा ये ई की पावर टू एक्स अपॉन ई की एक्स वन अपॉन ई की एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका
ऊपर जाने के बाद पावर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की x, ये भी ऊपर जाने के बाद पावर माइनस की हो जाएगी e की पावर माइनस x dx। अब आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर इसको t मान लीजिए, लेट e की x e की माइनस x इज इक्वल टू t, इसका इंटीग्रेशन कीजिए e की पावर x का e की पावर माइनस x हो जाएगा और x का दोबारा से कीजिए माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी, तो आपका ये न्यूमिनेटर बन चुका है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल वन अपॉन टी डी टी, तो वन अपॉन टी का आपका हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग ई की एक्स ई की माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपकी तरफ से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फोर था फाइव, ई की पावर टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन ई की टू एक्स टू ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो हमारे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इसको टी मान लीजिए, लेट ई की टू एक्स ई की माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा ई की टू एक्स, टू एक्स का दोबारा से कीजिए टू आ जाएगा, ई की पावर माइनस टू एक्स, टू एक्स का माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से दो कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा ई की टू एक्स ई की माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा आपका ई की टू एक्स ई की माइनस टू एक्स डी एक्स वन बाई टू डी टी, इसलिए आपका इंटीग्रल हो जाएगा ये वन अपॉन टी वन बाई टू डी टी, वन बाई टू एज इट इज, वन अपॉन टी का हो जाएगा आपका लॉग टी प्लस सी, तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई की टू एक्स ई की माइनस टू एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अंडर रूट एक्स को टी मान लीजिए, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, अंडर रूट एक्स का आपको पता है डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो हो जाएगा आपका वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू डी, आपका इंटीग्रल हो जाएगा ये कोस टी टू डी टी, टू को मल्टीप्लाई में ले लीजिए, कोस को हो जाएगा साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर से एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो कीजिए एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए, ये हो जाएगा लॉग एक्स का कीजिए, एक्स का कीजिए वन, लॉग एक्स का हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन डी एक्स डी टी, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आपका ये जो है डी टी हो जाएगा। तो अब आपका गिवन जो इंटीग्रल है क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स का आपका डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर टी पुट कर दीजिए क्योंकि हमने टी लेट किया, तो हो जाएगा टी की टू डी टी, तो इसका जो है
डिफ्रेंशिएशन कीजिए, टी की 3/3 पावर में एक ऐड हो जाएगा सी डिवाइड प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू आपके पास एक्स लॉग एक्स की पावर 3/3 प्लस सी आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है, आपको सेम इसी तरह क्वेश्चन मिलना है, हल्का फुल्का चेंज मिलेगा। कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप यह नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है आपको, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो आपको हो जाएगा ऊपर कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे आपको ये पता है कि हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अलग अलग डिवाइड कर दीजिए कोस एक्स अपॉन, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलना है जिसमें अलग अलग डिवाइड होना। आपका इंटीग्रेशन आसान है, केवल इसमें मेथड काफ़ी है, तो आपको मेथड समझना है किस मेथड से करना है। तो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कोट एक्स कोसेक एक्स, और कोस अपॉन साइन हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिए कोसेक एक्स कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, और यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि कोट स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स हो जाएगा और वन का एक्स, और आपका आंसर आ जाएगा, आप इसको आगे आराम से कर सकते। आगे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आए किसी न किसी दिन, तो हो जाएगा नाइन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है कोस एक्स का फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा आपका टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी कोस एक्स का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा आपका टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, नीचे एज इट इज कोस एक्स माइनस कोस अल्फा डी एक्स। ध्यान से देखिए आपका ये वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ऊपर से टू कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा डी एक्स। ध्यान से देखिए आपकी आइडेंटिटी बन चुकी ऊपर, तो ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, नीचे एज इट इज कोस एक्स कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा डी एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचा कोस एक्स माइनस प्लस कोस अल्फा डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, कोस एक्स का हो जाएगा आपका साइन एक्स, और कोस अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा कोस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10² x + 4 डी एक्स, आपको इस फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर 10x को t मान लीजिए, लेट 10x = t, 10 का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स = dt, डियर फोर, तो आपका जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा 1/t² तो 4 को लिख लीजिए 2 की 2 dt, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/√x² + a², ये हो जाएगा लॉग
टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस फोर प्लस सी, तो टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में परीक्षा में, तो आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना किस प्रकार से हुआ है, केवल आपको डिजिट चेंज मिलेगी, बाकी क्वेश्चन सेम मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार किसी न किसी रूम में परीक्षा में है, तो आपको क्या करना है, यदि बार सिंगल घात है अंदर कुछ भी घात है तो उसमें से एक माइनस करके एक्स की पावर एन माइनस वन उससे ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, उसको भी उससे मल्टीप्लाई करना है और सर को भी, तो यहाँ पर आपको x की पावर n माइनस वन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी जी, तो ध्यान रखना आपको इस तरह क्वेश्चन में, यदि बार सिंगल पावर है और अंदर कुछ भी पावर है तो उसमें से एक माइनस करके जो भी बचता है उससे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो x की पावर n माइनस वन एक्स की वन यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाती जाए डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका पावर ऐड हो जाती है एक्स के एन प्लस वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ एन के प्लेस पर आपको टू थ्री फोर कुछ भी दे सकते हैं, तो आप इसको एक्स की पावर एन को टी मान लीजिए, हो जाएगा एन एक्स की एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स वन अपॉन एन डी टी, तो ये आपका एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा वन अपॉन एन डी टी, तो ध्यान से देखिए जो आपका ये इंटीग्रल है वो आ जाएगा वन अपॉन टी टी प्लस वन डी टी, और ये वन अपॉन एन को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिए, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आए। नेक्स्ट देखिए ये मान लीजिए आपकी बुक से जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका कॉम्बिनेशन है, माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी क्या करना है आपको साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो साइन का हो जाएगा आपका कोस एक्स डी एक्स डी टी, इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका कोस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर टी पुट कर दीजिए साइन एक्स के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस टी टू माइनस टी डी टी, थोड़ा और इसको नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा, अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर बड़े आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर भी यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, फिर भी आज मन किया बनाया। से देखिए आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही घुमाता है क्वेश्चन बच्चों को, इसमें क्या करना है आपको e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और कुछ नहीं, बड़े आराम से हो जाएगा उसके बाद e की पावर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अब आपको e की पावर x को t मान लेना है, लेट e की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो ई की एक्स का हो जाएगा आपका ई की एक्स डी एक्स डी टी, तो ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा वन अपॉन टी टी माइनस वन डी टी, अब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाकर इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 40। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आई लेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट और सेकंड पुट कर लेना। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, आसानी से हो जाएगा। आई लेट ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक। तो आपका ये हो जाएगा लॉग एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी डी एक्स हो जाएगा आपका लॉग एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स पूरे फंक्शन का डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन थ्री डी एक्स। इनसे आपका एक्स कैंसिल, एक पावर कम हो जाएगी, थ्री बच जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका एक्स की थ्री अपॉन थ्री लॉग एक्स माइनस, आगे देखिए ये हो जाएगा एक्स की थ्री अपॉन नाइन, थ्री पहले से ऊपर से थ्री आएगा, नाइन हो जाएगा प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऊपर वन ऐड करना है और वन सब्ट्रैक्ट करना है, इस क्वेश्चन की ट्रिक है। इसके बाद ये बड़ी आसानी से हो जाएगी, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। माइनस वन, माइनस वन ई की एक्स इसके अपॉन अलग हो जाएगा आपको, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी आपकी ई की एक्स, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स। ई की एक्स ऊपर जाने के बाद पावर आपकी माइनस हो जाएगी। अब इस वाले फंक्शन का कर दीजिए, सेकेंड फंक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा आपका, कीजिए। आपको यह मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाना है, इसको पहला फंक्शन मान लीजिए, इसको दूसरा। तो ये आपका एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस, इसका कीजिए माइनस वन माइनस टू, पावर में से माइनस हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का आपका ई की पावर एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। और ये एज इट इज ई की एक्स वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस, ये तो दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा वन ई की एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, नीचे जाने के बाद पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसका सोल्यूशन आपको दोबारा से प्रोवाइड करा दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये आपको लगभग पूरे समाकलन का हल्का फुल्का रिविजन